होता है कितना ज्यादा जाम लग जाता है। ये देखो भाई, आप पांचवी वाला को देखो, ओ भाई साहब राइडर भाई आज उड़ा देगा, जो बीच में आया उड़ा देगा उसको आज भाई। देख लीजिए एक बार, मजा तो भाई ट्रैफिक में आता है, बट ट्रैफिक में चालू ट्रैफिक रहता है भाई, रश रहे बट चालू रहे, रुका नहीं रहे। क्या बाइक भाग रही है भाई। ओ भाई ये देखो भाई, कितने दिनों बाद, मतलब अभी आज 1 फरवरी है, अभी जो देखो भाई पहाड़ क्या खतरनाक दिख रहा है आपको, मतलब जब से ठंडा आया था पूरा क्लियर पहाड़ दिखता नहीं था इतना साफ। सो गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो भाई साहब आ चुके हैं अपन इधर राजगीर, और भाई साहब यहाँ पर भीड़ देखिए आप, एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है लगता है, और यहाँ पर भीड़ तो भाई साहब भीड़ माने भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा है यार, पुलिस भी भरी हुई है बाबा, बच कर रहना पड़ेगा मेरे को तो। अरे बाबा काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। आज अपन आए थे सोचा कि राजगीर आ रहे हैं तो भाई कोचिंग क्लास करना है तो थोड़ा सा वीडियो भी शूट हो जाएगा, बट यहाँ पर वीडियो शूट होने का मेरे को चांस नहीं लगता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पर, देख लो भाई साहब। अभी तो अभी स्टार्ट राजगीर पहुँचे ही और इतना ज़्यादा रश है यहाँ पर, मेरे को तो नहीं लगता है, और पुलिस भी है बाबा, जहाँ थोड़ा सा उपद्रव किया भाई बहुत सोटेगा पुलिस। चल इधर का काम था, थोड़ा काम एक निपटा लेते अपन, जगह मिले तब ना जाएंगे। मेरा भी भाई सब क्लास स्टार्ट हो चुका है, अब 2 बजे से क्लास है मेरा, रात से भाई 12th का मेरा क्लास स्टार्ट हो चुका है, तब अपन क्लास भी नागा नहीं कर सकते हैं। चलो यहाँ से भगाते हैं, थोड़ा पहले काम है जो पहले काम कर लेते हैं। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, आप लोगों को ज़्यादा हॉर्न की आवाज़ सुनाई देगी आज काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है भाई। BMW 310 था भाई साहब। ओ भाई तो भाई लोग, कल का वीडियो आपने देखा, कल का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा था भाई, क्योंकि भाई उस वीडियो में मैंने सिर्फ अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप दिखाया, उसके बाद मैंने आपको बताया भी भाई आप कैसे यूज़ कर सकते हो, क्या चीज़ है भाई, सारा कुछ बताया, तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका था, तो भाई जिन लोगों ने भाई वीडियो को थोड़ा देख कर छोड़ दिया तो भाई मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जाओ जाकर वीडियो पूरा देखो, थोड़ा भाई वीडियोस देखोगे तो वॉच टाइम बढ़ेगा भाई, मेरे को भी वॉच टाइम का थोड़ा नीड है, तो जाकर वो पूरा कर दो भाई आप लोग। ओ भाई यहाँ पर भी चेकिंग, अरे क्या चाचा ऐसे करिएगा, गजब गजब लोग, अरे बाबा यहाँ पे उड़ा देंगे, वो बता रहा कन्फ्यूज़ हो गया ना, इधर ना इधर बीच में खड़ा हो गया, तो वो भी सही था, मैंने ब्रेक मार लिया भाई। ओ बाबा, ओ बाबा, ओ भाई, ओ भाई, अस तो बच बच कर चलना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा रश है, काफ़ी ज़्यादा। अरे भाई यहाँ से भी चलना है भाई, मेरे को एक बुक लेना है, क्योंकि भाई अपना 12th का क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो अपना 2 बजे से क्लास भी है, तो भाई अभी तक मैंने बुक वुक लिया नहीं है, तो आज ही जाकर मैं बुक लूँगा। ओ भाई ओ, उसके बाद जाकर मैं भाई क्लास ज्वाइन करने वाला हूँ। क्या यार अपना साइड तो अपना साइड, दूसरे का साइड को भी पूरा छेक के चल रहा है ये लोग, क्या मतलब है, चलने नहीं देना है क्या मेरे को इधर, मैं भी इंसान ही हूँ भाई, मेरे को तो चलने दे दो। एग्ज़ाम को लेकर भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आज, क्योंकि यहाँ पर पास में 2-3 स्कूल है भाई, और दोनों स्कूल में सेंटर आया हुआ है। ओहो मेरे को तो भाई आज बड़ा डर लग रहा है बाइक चलाने में, क्योंकि भाई हर जगह पे पुलिस है, आज थोड़ा सा कुछ होगा गेम बजा देगी अपना। ओ भाई
मज़ा तो भाई ट्रैफिक में आता है, बट ट्रैफिक में चालू ट्रैफिक रहे तब भाई रश रहे, बट चालू रहे रुका नहीं रहे, एक रुक कर पूरा जाम लग जाता है तो भाई उसमें मज़ा नहीं आता है, वो बोर राइड हो जाता है भाई, पूरा बोर हो जाता है इंसान बाइक पे। ट्रैफिक रहे, ट्रैफिक भी तो मज़ा आता है भाई, लेकिन चलता रहे जैसा अभी चलता चलता ट्रैफिक है वैसा रहे ठीक है। गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए भाई, गाड़ी रुक जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ओ भाई काफ़ी दूर आना पड़ता है इधर, कोचिंग तो मेरा वहीं पर है, लेकिन भाई जाने दे दे यार, यहाँ पर तो खाली है, फिर ऐसे क्यों चला रहा है यार। देखो ये सब है भाई, रोड पर खड़ा हुआ है, क्या इंसान है। एक तो भाई बाइक गाड़ी चलने की जगह नहीं है और रोड पर खड़े हुए हो, हटना नहीं है भाई, गजब। अरे भाई खुला हुआ है, खुला हुआ है, चलो यहाँ से ले लेते हैं पहले सामान। भैया बड़ा घूर के देख रहे हैं भाई, लगता खा जाएंगे। सो भाई साहब यहाँ से अपना बुक और कॉपी जो लेना था मैं तो ले लिया हूँ, अंकल बड़ा घूर के देख रहे हैं भाई, अंकल देख रहे हैं ये क्या बाबा सिर लगा लिया भाई हेलमेट में। अब भाई जाना है थोड़ा बैंक के पास भी, लेकिन बैंक के पास तो भाई इतना ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा भीड़ है, मैं वहाँ पर कैसे जाऊँगा, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई पूरा वहाँ पर लोग भरा हुआ है एग्ज़ाम को लेकर। देखेंगे भाई बाइक को ऊपर लगा कर ट्राई करेंगे। ओ भाई इधर तो खाली है, ओहो मैं कोई माँ, इधर भी लगता है स्कूल, स्कूल है क्या भाई, मेरे को तो आज पता चल रहा है कि भाई राजगीर में कहाँ कहाँ पर स्कूल है, क्योंकि आज सब जगह बच्चे लोग भरे हुए हैं ना, इतना स्कूल। ओ इधर स्कूल है ना, इसमें भी सेंटर आया। ओ वाह वाह, ओ भाई हट जा, कोई नहीं सुनता भाई, एग्ज़ाम देने आया तो भाई किनारे खड़ा रहे, रोड पर क्यों बीच में जाम लगा रहा है, ओ मेरे को जाने दो। मैं जब भी अच्छे से तैयार होकर निकलता हूँ भाई कि आज एकदम मस्त तबाही राइड करेंगे, आज भाई वीडियो बनाएंगे अच्छा सा, लेकिन उस दिन ये होता है कितना ज़्यादा जाम लग जाता है। ये देखो भाई अपाची वाला को देखो, ओ भाई सब राइडर भाई आज उड़ा देगा, जो बीच में आया उड़ा देगा उसको आज भाई, पूरा फॉर्म में है भाई, वो भी विदाउट हेलमेट के, चाचा देख लीजिए एक बार। ओ भाई साहब, ओ भाई, ओ सो भाई लोग यहाँ पर नंबर अपडेट करवाना था, नंबर यहाँ से अपडेट हो चुका है। अब भाई बैंक का काम है, तो बैंक का काम अभी तो होने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है, बस जल्दी जल्दी यहाँ से चलते हैं, टाइम भी नहीं है ज़्यादा। और भाई कोचिंग भी मेरे को जाना है, यहाँ पर एक बज चुका है। वो फिर भाई क्या ट्रैफिक है आज, कसम से भाई इरिटेट कर दिया, इतना ज़्यादा हॉर्न हॉर्न बज रहा है ना। बाबा किधर से जाएगा। 2000 years later. सो भाई साहब बैंक रहा इधर, हम जाकर एक बार घूम कर आ चुके हैं बैंक ऑफ इंडिया, तब मेरे को वहाँ से निकाल दिया गया, मतलब ये बोलकर कि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पासबुक है आपके पास, तो आप जाकर वहाँ काम करवाइए। ये बैंक ऑफ इंडिया मैं वहाँ पर पढ़ा था, वही समझता कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है भाई वहाँ पर, फिर लास्ट में वहाँ पर गया तो पता चला कि भाई ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो यहाँ पर है, यहाँ घुसना पड़ेगा, यहाँ भी तो कैमरा मेरा लॉक बंद है तो कैमरा बंद कर। सो भाई लोग क्लास करके निकल चुके हैं, अब अपन चल रहे हैं सीधा इधर से भाई पांडू पोकर होते हुए जाएंगे, क्योंकि इधर से जाना है तो भाई फिर जाम में फंसने वाला है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम देकर सब बच्चा लोग निकलेगा और भाई काफ़ी ज़्यादा रश रहने वाला है, इसलिए भाई साहब अपन यहाँ से सीधा पांडू पोकर से होते हुए घर की तरफ निकलेंगे। अभी इधर थोड़ा सा भाई पूरा रोड खाली खाली है, उधर पूरा भाई जाम भरा हुआ, बड़ा हेवी जाम था उधर, और सोचे थे कि आएंगे थोड़ा मस्त राइड करेंगे पहले आकर यार जाम में ही फंस गए, और काम भी था, काम करते करते टाइम हो गया ख़त्म, फिर कोचिंग करके अभी निकले हैं। अभी तो इधर कोई आने वाला नहीं है, बस अकेले ही यहाँ से सीधा निकलेंगे घर की तरफ। इतना ब्रेकर मिला है ना इधर, ये देखो भाई कितने दिनों बाद, मतलब अभी
आज 1 फरवरी है, अभी तो देखो भाई पहाड़ क्या खतरनाक दिख रहा है आपको। मतलब जैसे ठंडा आया था पूरा क्लियर पहाड़ दिखता नहीं था इतना साफ। अभी देख सकते हो अभी 4:12 हो रहा है, सूरज मामा काफ़ी तगड़ा तरीके से निकले हैं अभी भी। तो भाई अब धीरे धीरे गर्मी आने वाला है बस, तो उसके बाद तो भाई अब समझो कि दोपहर के टाइम बाइक राइड करना बड़ा मुश्किल होने वाला है। ठंड में तो भाई जिस टाइम आते थे आदमी निकल जाता था, बस रात में थोड़ा बहुत दिक्कत होता था यार राइड करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग हो जाता था, कुछ दिखता नहीं था। अब ये गर्मी में है कि अब दिन में राइड नहीं कर सकते हो, हर तरफ भाई एक फ़ायदा एक घाटा है ही है, ऐसा बना के रखा गया है, दिन में फ़ायदा रात में घाटा, यहाँ रात में फ़ायदा है तो दिन में घाटा। अब ज़्यादा ठंड में भाई शाम के टाइम आप लोग राइड कर नहीं सकते हो, क्योंकि ठंड लगता है भाई बहुत ज़्यादा उस टाइम, और बाकी दिन में किसी टाइम भी बाइक लेकर निकल सकते हो। यही चीज़ है भाई, इधर देखो सामने क्या धूप आ रहा है भाई, इधर थोड़ा मज़ा आ रहा है भाई चलाने में। देखो लोग को भाई रोड पे खड़े हुए, नहीं सुना ये किसी का भाई। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, और भाई मैंने पिछले वाला वीडियो देखा उसमें भाई ये देखो ऑडी, ओ भाई आज ऑडी BMW सब दिख गई है रे बाबा। इससे पिछले वाला वीडियो में देखा भाई मैंने एडिट करने टाइम वॉइस नोट काफ़ी ख़तरनाक था भाई, सही था, पहले से तो भाई मच बेटर है। पहले भाई जैसा बाइक भागती थी तो उतना विंड ब्लास्ट होता था तो आवाज़ नहीं आता था, अभी तो भाई पूरा ख़तरनाक आवाज़ आता होगा आप लोग को। बहुत टाइम से सोच रहे थे करने के लिए, भाई आ गया तो अब तो आपको आवाज़ अच्छा आने ही वाला है। अब धीरे धीरे भाई इधर भी भीड़ ख़त्म हो जाएगा, इधर भी उतना ज़्यादा रश नहीं रहेगा, इधर भी उतना ज़्यादा रश नहीं रहने वाला है, क्योंकि भाई अब ठंड समझो कि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और जितने यहाँ पर लोग आते थे बाहर से सब भाई ठंड में आते थे, नवंबर से लेकर जनवरी तक रहता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश, अब देखो धीरे धीरे सब खाली हो चुका है। पहले भाई इधर से जाने में मुश्किल होता था मेरे को, मतलब पूरा राजगीर जाम रहता था हर तरफ से भाई। ओ भाई साहब क्या बाइक भाग रही है भाई, ओ भाई भाई विलायतन वाले रोड से तो निकल चुके हैं, बस यहाँ पर चेकिंग नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मामू लोग चेकिंग करते हैं, वो भी भाई शाम में ही चेकिंग लगता है यहाँ पर। दिन भर तो भाई जैसे चलाना चला सकते हो, लेकिन शाम के टाइम भाई बहुत ज़्यादा ही चेकिंग रहता है यहाँ पर। ओ भाई लग तो रहा है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है चेकिंग। चलो बढ़िया है, मस्त डर से निकलते हैं अब घर की तरफ भाई। चलो भाई अच्छा है कि चेकिंग की नहीं है। कॉल आ रहा है भाई, रुकते हैं इधर थोड़ा, देखते हैं कॉल। सो भाई साहब थोड़ा लेट हो चुका है यहाँ पर, देख सकते हो अब सूरज मामा यहाँ पर पूरी तरीके से ढल चुके हैं, और अपन अब सीधा चल रहे हैं भाई अपने घर की तरफ। ओ भाई साहब, ओ भाई आज भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था भाई कि कुछ कर नहीं पाए, बस अपना काम जो था काम कर लिया, और कोचिंग करना था भाई तो कोचिंग भी कर ही लिए। बाकी भाई बाइक अच्छे से आज राइड हो नहीं पाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, काफ़ी ज़्यादा। अरे भाई ओवरटेक नहीं करना भाई ये सब चीज़ से अभी। ओ भाई साउंड सुनो भाई का अपने, ओ ओ ओ भाई। तो भाई आज कोई फ्रेंड नहीं था, सिंगल मैं था, और भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया, और देखो भाई थोड़ा वहाँ पर पुलिस भी था ना, उससे भी डर लग रहा था भाई, इसलिए मैं ज़्यादा ट्रैफिक में तो भाई चलाने में मज़ा आता है जब चालू ट्रैफिक रहे, तब रश रहे बहुत ज़्यादा, चालू रश रहे भाई गाड़ी चलती रहे, रुके नहीं गाड़ी, क्योंकि गाड़ी रुक जाती है तो भाई जाम लग जाता है, फिर उसमें मज़ा नहीं आता है। तो भाई आज वही था, पुलिस पूरे तरीके से सबको खाली कर रही थी, उधर से बुरे तरीके से जाम लगा हुआ था। और यहाँ पर भाई थोड़ा गाड़ी रुकते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सामान लेना है मेरे को सामान। तो भाई साहब अब अपन चल रहे सीधा बाज़ार की तरफ, क्योंकि भाई यहाँ का काम जो था यहाँ पर नहीं हो पाया, तो अब चलते हैं सीधा बाज़ार, बाज़ार से एक काम है। टाइम हो चुका है भाई 5:43, तो बाज़ार से भाई थोड़ा काम करा लेते हैं, उसके बाद अब सीधा घर जाएंगे। भाई साहब क्या ठंड लग रहा है भाई, अभी थोड़ी देर पहले क्या धूप था, देखो अब कैसा ठंड लग रहा है, थोड़े ही देर में भाई इतना ज़्यादा मौसम चेंज हो गया। अभी इधर ओ भाई क्या साउंड करती है भाई अपनी बाइक, ओ हो 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 हो।
जिस टाइम मैं निकला था उस टाइम इतना ज़्यादा धूप था, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था मेरे को, और एक टी शर्ट में मैं बस आ गया था यहाँ पर। अब बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है यहाँ पर, अब कल से ऐसे नहीं, अभी तो भाई जब तक ठंड पूरी तरीके से जाएगा नहीं, जैकेट टूकेट छोड़ना नहीं है मेरे को, पहन कर आने वाला हूँ भाई, क्योंकि बाइक राइड करने टाइम लगता ही है, अभी भी थोड़ा थोड़ा शाम के टाइम लगता है ठंड। बाकी तो भाई अभी मौसम सही रहेगा, फरवरी तक तो भाई सही है, अपना राइड कर सकते हो आप निकल कर दिन में भी, उसके बाद भाई मार्च से काफ़ी ज़्यादा लू चलता है तो भाई, और काफ़ी ज़्यादा हीट होता है भाई, इसलिए नहीं निकल सकता है उस टाइम इंसान। तो अभी फरवरी तक कर सकते हैं, अभी ये पूरा फरवरी कर सकते हैं, धूप रहेगा चलेगा भाई, ये धूप से अभी कुछ नहीं होने वाला है, बट जो मार्च अप्रैल में आता है वो वाला धूप भाई, गर्मी नेक्स्ट लेवल रहता है। तो भाई चलो चलते सीधा बाजार, बाजार से सामान लेकर अब सीधा घर ही जाएंगे। अब GoPro का बैटरी यहाँ पर ऑलमोस्ट समझो डेड हो रहा है। अरे भाई क्या स्पीड में निकलता है यहाँ पर, देख रहे हो भाई सिंगल रोड है कि यहाँ पर गाड़ी स्कॉर्पियो चल रही है और वहाँ से ओवरटेक निकल रहा है साइड से, तो इतना स्पीड में मैं तो मारा भाई एक बैक से ब्रेक। ओ भाई, तो भाई लोग चलो वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यहाँ पर।